ये है मेरी स्मॉल सी शॉपिंग। मैं ना कुछ दिन पहले गई थी चेज़ा, तो मतलब जो हमारे सिटी में है, तो यहाँ वहाँ से ना मैंने इंस्टा पे मेरी फ्रेंड बनी थी किरण, तो वो कराची से बिलोंग करती हैं और अक्सर मुझे उनके मैसेजेस आते रहते हैं कि ये वाली प्रोडक्ट खरीद लें, ये चीज़ खरीद लें, वो खरीद लें। तो उसमें उन्होंने दिखाया हुआ था कि ये साशा जो है ना, जैसे अब हम वो लेते हैं यार, क्या लेते हैं, हाँ फाउंडेशन बेस, तो वो मार्केट से 2500 1600 1900 की थी। ठीक है, अब मैंने कहा कि यार हम रोज़ रोज़ तो ये प्रोडक्ट्स यूज़ हो क्या 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 था, तो हम यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो फिर वेस्ट हो जाती हैं। और मेरे साथ तो ये हुआ यार, मैंने फर्स्ट टाइम ये इस प्रोडक्ट का लिया, मैंने फाउंडेशन, और मुझे इतना 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 अच्छा लगा कि मैं दिल करे कि मैं उसे कहीं छुपा लूँ। लेकिन मेरे साथ क्या मिस्टेक हुई, मेरी जो मेड थी ना, वो जनाब जी ले गई ना। आप ब्लेम कर सकते हो कि अब कौन सी थी कौन सी नहीं थी, तो डेट्स वाई इसलिए मैंने कहा पैसे ज़ाया करने से बेहतर है कि अब साशा ख़रीद लो, ऐसा कहीं फिर से डाका मुझे फिर ना पड़ जाए, ऐसा लॉस मुझे फिर ना हो जाए। सो मैं आप लोगों को भी सजेस्ट यही करती हूँ कि ये 160 में, या फिर आपके शहर में पता नहीं कितने की होगी, ये 220 में भी थी और 160 में मिलती है। और इसमें टू शेड होते हैं, एक पिंक वाला और एक येलो वाला। तो मुझे ये अच्छा लगा था और मैंने ये ले लिया। और मैंने इसलिए इसका ये मैं इसलिए बना रही हूँ, इसका रिव्यू इसलिए दे रही हूँ कि जो चीज़ आपको अच्छी लगे तो आपको वो उसकी रिव्यू, दूसरों को भी उसका मशवरा देना चाहिए। मशवरा तो वैसे भी कहते हैं कि अच्छा मशवरा देना तो वैसे भी स्वाब है। और हाँ, मैंने ना वहाँ से एक सोप भी परचेज़ किया था और वो बाकायदा मैंने उसका रैपर भी रखा हुआ है। ये फेयर एंड लवली का, देख सकते हैं, फेयर एंड लवली का ये सोप है और वो बहुत बहुत अच्छा, मुझे मेरी स्किन पे बहुत अच्छा रहा है। आप लोग भी यूज़ करना, नहीं ये तो ग्लो एंड लवली है, सॉरी ग्लो एंड लवली है रैपर से, फेयर एंड लवली भी है और ग्लो एंड लवली भी लिखा हुआ है, फेयर एंड लवली भी लिखा हुआ है, ग्लो एंड लवली भी। इसका ये मुझे अच्छा लगा यार कि आपको ना उसकी, अब वो साबुन लगे मिरर साफ करना पड़ेगा, मतलब आपको ना ड्राइनेस नहीं होती है, ऐसे लगता है कि जैसे यार आपकी स्किन बहुत, आपने ऑलरेडी कोई क्रीम लगाई हुई है। और फिर मैंने ये लिया था लिप ग्लॉस, ये वाला लिप ग्लॉस लिया था और ये बेबी पिंक शेड है, बहुत 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 प्यारा लगता है मुझे। मेरे पास पिंक शेड की इतनी रेंज है बहुत रेंज है लिपस्टिक्स में। और फ्रेंड्स, जिसको कोई वजीफ़ा पूछना हो या कोई अब मैं क्या बोलूँ उसको, कोई भी टोटका पूछना हो लाइक सीरियसली किसी भी लिहाज से, तो आप कंसर्न कर सकते हो लाइक ब्यूटी के हवाले से या फिर हेल्थ के हवाले से।